सेहत वागिया तो जी क्या सो किशोर के कमाई अनुष्ठान के बारे में पढ़ते हैं जिससे शैतान को बुलाया जा सकता है। उत्साहित होकर कुछ मना हुआ आजमाने का ख्याल आता है और वे सेठ के तहखाने में एकत्र होते हैं। मोमबत्तियों की धीमी रोशनी उनके चेहरे पर अजीबोगरीब परछाइयां डाल रही होती हैं। दोनों डरते हुए मंत्र पढ़ते हैं कि बिना जाने कि वे क्या भयानक चीज को जन्म दे रहे हैं। जैसे ही वियाम मंत्र पढ़ना शुरू करता है उसकी आवाज कांपने लगती है। अचानक वो पेट पकड़कर दर्द से चीख उठता है। उसके शरीर के अंदर कुछ अजीब हरकत कर रहा होता है। सेठ उसकी ओर हक्का बक्का देखता है। जब लियाम के मुंह से एक पतली लाल पूंछ बाहर निकलती है और उसके साथ के डरावनी आवाज आती है जो उसकी रीढ़ में ठंडक भर देती है। घबरा कर लियाम चाकू मांगता है लेकिन उसकी माँ सही समय पर पहुँच कर अनुष्ठान को रोक देती है और उसे शांत करती है। अगले दिन लियाम फिर से सामान्य लगता है लेकिन सेठ को उसमें अजीब बदलाव दिखने लगते हैं। उसकी जीभ दो भागों में पंटी लगती है और उसकी सांस में एक गंध होती है जो चीजों को जला देती है। डर कर से उससे दूर रहने की कोशिश करता है पर एक रात उसे एक फोन कॉल आता है। लियाम की आवाज में एक दुष्टता भरी हुई होती है। तुम मुझसे भाग नहीं सकते सेठ, हम हमेशा साथ रहेंगे। कुछ दिनों बाद सेठ को लियाम की माँ का फोन आता है। उनकी आवाज कांप रही होती है। वे बताती है कि लियाम को उसके कमरे में चला हुआ पाया गया था। उसकी गर्दन मानो भीतर से चीर दी गई थी। उसके कमरे से खिड़की तक खून में सने छोटे छोटे पैरों के निशान थे। हालांकि किसी ने अंदर नहीं घुसा था। लानी और डर से पस्त सेठ उस रात की भयानक सपने देखने लगता है। हर सपने में उसे उस तहखाने में नए नए डरावने संकेत मिलते हैं। दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक और एक छायामय आकृति जो उसे देख रही होती है। उसे एहसास होता है कि ये संकेत असल में भी उसे चारों ओर दिखने लगे हैं। स्कूल की मेज पर, बाथरूम के आईने में, यहां तक कि उसकी अपनी त्वचा पर भी। लियाम के कमरे में सेठ को एक अजीब सा लॉकेट मिलता है जो खौफनाक ऊर्जा से धड़कता है। इसके बाद से जो भी से छूता है उसे डरावने सपने आते हैं या कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। सेठ इसे छोड़ने की कोशिश करता है पर यह बार बार उसकी चीजों में लौट आता है जैसे उसने उसे अभिशापित कर दिया। आसपास के लोग सेठ के पीछे अजीब छायाएं देखने लगते हैं और उसकी परछाई में कभी कभी लियाम की छवि दिखने लगती है। एक रात सेठ खुद को खिड़की पर खड़ा पाता है। उसके शरीर पर खरोचे हैं जिनके बारे में उसे कोई याद नहीं। वो मदद के लिए एक स्थानीय साधु के पास जाता है पर साधु की आंखें बदल जाती है मानो किसी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। उस क्षण में वो लियाम की आवाज में एक खौफनाक चेतावनी देता है जिससे सेठ की रूह कांप उठती है। हिम्मत जुटाकर सेठ खुदाई करता है और अपने परिवार से जुड़े कुछ डरावने सच सामने आते हैं। ये पहली बार नहीं था जब उसके परिवार में इस शैतानी ताकत का सामना किया। उसका परदादा भी यही अनुष्ठान करने की कोशिश में मर गया। ये शैतान सदियों से लोगों को अपने कब्जे में कर रहा है और अब सेठ उसके अभी शिकार है। उसकी त्वचा पर जो निशान उभरे हैं वे अजीब ऊर्जा से धड़कते हैं मानो उसके नसीब को सील कर रहे हैं।
अपनी आखिरी रात में सेठ अपने आईने में देखता है और शैतान उसे घूरता हुआ मुस्कुराता है। उसकी आवाज सेठ की रूह को कंपा देती है। तुम मुझसे बच नहीं सकते, ये खेल हमेशा चलेगा। अपनी आखिरी रात में सेठ अपने आईने में देखता है और शैतान उसे घूरता हुआ मुस्कुराता है। उसकी आवाज सेठ की रूह को कंपा देती है। तुम मुझसे बच नहीं सकते, ये खेल हमेशा चलेगा। द एंड। लेखक चंदन मलाना। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई और आप पढ़ने के शौकीन हैं, तो हमारी कहानी और कविताओं की संग्रह का आनंद लेने के लिए एक बार अवश्य देखें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारी दिलचस्प कहानियों और कविताओं की दुनिया में प्रवेश करें। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।